सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जोधपुर कलेक्ट्रेट सभागार के बाहर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथों दिव्यांगों को स्कूटी का वितरण किया गया। इस विशेष योगजन शिविर में कुल 55 आवेदन आए थे, जिसमें से 40 को स्कूटी वितरण की गई। इनमें 16 से लेकर 30 वर्ष की आयु के नियमित छात्रों को स्कूटी प्रदान किया गया। दरअसल दिव्यांगों को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से बड़ी सौगात दी गई, ताकि दिव्यांगजन भी समाज में अपनी बराबर की भागीदारी निभा सकें और जीवन में एक बेहतर मुकाम हासिल करने में उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सर्वप्रथम तो देश के प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि इस देश के अंदर विकलांग शब्द का उपयोग नहीं किया जाएगा, उसके स्थान पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग करके और जितने भी भारतवर्ष के अंदर प्रकृति से पीड़ित लोग, भगवान ने जिनको कोई अंग में न्यूनता दी है, उन सब का उत्साह वर्धन किया और उसके बाद लगातार दिव्यांग कहलाने लगे। और एक निश्चित ये किया है कि एक भी दिव्यांग भारतवर्ष में, राजस्थान जोधपुर नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर में एक भी दिव्यांग ऐसा नहीं रहेगा जिसको किसी भी प्रकार की, आज जैसे आप देख रहे हो साइकिल स्कूटी दी जा रही है और उपकरण जितने भी होंगे सरकार की तरफ से उपलब्ध होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को, उन्होंने भी इस योजना को संकल्प के साथ में लिया है और पूरे संपूर्ण राजस्थान के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। उस क्रम में हमारे माननीय मंत्री महोदय, राज्य मंत्री जी पधारे हैं और अपनी तरफ से ये कार्यक्रम जो है हम सब मिलकर आयोजित।